बारिश की मौसम शुरू हो चुकी है और पकौड़े की याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाहर जो क्रिस्पी पकौड़े मिलते हैं उसके जैसे घर पे कैसे बनाए, तो क्या करना है कुछ भी नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े से अनियन ले लिए हैं और उसे इस तरह से मैंने स्लाइस में कट करके रख लिया है। तो हमें इसी तरह पतली ही स्लाइस कट करनी है ताकि हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और आधा नींबू का रस। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीबन 15 मिनट के लिए हमें इसे साइड में रख देना है। 15 मिनट के बाद हमारे जो अनियन है उसने नींबू और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे ले लेंगे एक बड़े से बर्तन में। इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और 1 चम्मच चावल का आटा। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है उसे डाल देंगे और ऊपर से बहुत सारे धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी आप सारी चीज़ों को मिक्स करें तब आपको पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और जब भी आपको पकौड़े बनाने हैं तब भी आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तो अभी अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं आया है तो मैंने वापस से यहाँ पे 1 चम्मच आटा डाल दिया है। वापस मैंने यहाँ पे करीबन 2 चम्मच बेसन वापस ले लिया है। तो यहाँ पे हमें करीबन 5 चम्मच जितना बेसन का यूज़ हुआ है, तो आप अपने हिसाब से बेसन डाल सकते हैं क्योंकि कई बार जो अनियन है वो कम पानी भी छोड़ता है और कई बार ज़्यादा भी छोड़ता है। तो बस हमारा जो अनियन है उसकी बाइंडिंग अच्छी आ जाए उतना ही हमें बेसन डालना है। अब इसे एकदम गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़े को हमें हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होता है कि वो अंदर से तो एकदम कुक हो जाते हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो पकौड़े को हमें एकदम राउंड शेप में नहीं बनाना है, ऐसे ही अनइवन ही हम इसे बनाएंगे ताकि वो बहुत ही क्रिस्पी बने और जहाँ से हमारे जो अनियन बाहर है वो भी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के पकोड़े को भी फ्राई कर लेंगे। बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का बहुत मज़ा आता है, तो आप भी इस बारिश के मौसम में एक बार इस पकोड़े को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना।